हेलो, कैसे हो आप सब? हम लोग एक तरफ ये बात करते हैं ना कि इंडिया को डिजिटल बनाना है, और हर स्कूल, हर कॉलेज, हर जगह हम लोग एक नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। लेकिन बातें और उसको सही मानना, दोनों में बहुत अंतर होता है। कहीं ना कहीं हम लोग उन बातों को सुनते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें करने का टाइम आता है तो हम उसमें अपना एक कंट्रीब्यूशन नहीं देना चाहते। अभी क्या हो रहा है कि हमें सबको पता है कि कितना टफ टाइम चल रहा है हमारे लिए, है ना? लेकिन कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को समझना नहीं चाहते। वो ये सोचते हैं कि अगर स्कूल्स नहीं लग रहे हैं तो फीस का भी कोई नहीं बनता, किसी का भी फीस लेने का, तो आप हमें मैसेजेस मत करो, हमें कुछ मत बताओ। मैं एक चीज़ उन पेरेंट्स से पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके टाइम पे ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो अगर अब ये टेक्नोलॉजी आई है तो हम उसको लेने में इतना इतना क्यों कष्ट कर रहे हैं? हम अपने बच्चों को क्यों नहीं वो चीज़ें सिखा रहे? अब तो ये लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, लेकिन मान लो अगले आने वाले कुछ सालों तक इतना ज़्यादा ऑनलाइन का एक ट्रेंड चल पड़ा तो आप लोग क्या करोगे? हम लोग ऑनलाइन चीज़ें सीख के बनाना बना सकते हैं, हम बिज़नेस ऑनलाइन कर सकते हैं, हम स्टडी ऑनलाइन क्यों नहीं कर सकते? मुझे एक बात ये जाननी है उन पेरेंट्स से कि अगर आप लोग भी इसी प्रोफेशन में होते तो क्या आप लोगों की सोच ऐसी ही होती? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग इस टाइम पे स्कूल या टीचर्स का साथ ना देकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो? हम लोग भी इस टाइम से निकल रहे हैं, सिर्फ आप पेरेंट्स नहीं निकल रहे हो, हम भी इस टाइम से निकल रहे हैं। लेकिन हम लोगों को मिलके इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने, मैनेजमेंट ने, हर एक इंसान ने इसमें पूरी कोशिश की है कि सब इसमें मैनेजमेंट के साथ मिलके, पेरेंट्स के साथ मिलके एक बीच का सोल्यूशन निकालें। और आगे से हम पेरेंट्स क्या पूछते हैं टीचर से कि आपको लगता है कि हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस हमारे बच्चों के लिए बेनिफिट है? क्यों नहीं बेनिफिट है? मैं इवन कि इतना जानती हूँ कि एक नर्सरी का बच्चा ऑनलाइन से सीख रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो अपने टीचर से नहीं सीख रहा, वो अपने माँ बाप से सीख रहा है। तो उसमें क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर आप लोगों को अपने बच्चे के साथ वो टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, अपने बच्चे को और ज़्यादा जानने का मौका मिल रहा है, आपको भी हर चीज़ में उसके पता चल रहा है कि हमारा बच्चा कैसे लिखता है, कैसे सीखता है, तो इसमें हर्जी क्या है? मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब एक छोटा बच्चा सीख रहा है, वो अपने टीचर को ऑनलाइन देख के उसके साथ राइम के साथ एक्शन कर रहा है, रिटर्न वर्क कर रहा है, तो बड़ी क्लासेस वाले बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है? ये प्रॉब्लम बच्चों की नहीं है, क्योंकि बच्चों को तो इन हालात के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये प्रॉब्लम है उन पेरेंट्स की जो इतना सा भी अपने आप को उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। बस एक पॉइंट आउट करना है सबको, पॉइंट आउट करते हुए अपनी बात कहनी है और कुछ नहीं है। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग एक डेवलप कंट्री के अंदर जाएं, तो हमें ये चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, और ये चीज़ें अपना के हम लोग आगे अपनी कंट्री को आगे लेके आ सकते हैं, हम अपने अपने आने वाले फ्यूचर को आगे लेके आ सकते हैं। हम टीचर्स भी एक टाइम पे ये सोचते थे कि हाय कैसे होगा, कैसे हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोगों ने उस चीज़ में अपना 100% डाला। क्यों डाला? ताकि हम बच्चों के साथ टच में रहें, हम उनको इजी से इजी वे से वो चीज़ें सिखाएं। हम अपने घर के सारे खर्चे, हम अपने घर की हर चीज़ मैनेज कर रहे हैं, तो यहाँ आके क्यों एक ये बहस का मुद्दा बन गया है? हम लोग इतने हज़ारों सालों से टीचर से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल जाके पढ़ते हैं, तो अब अगर एक थोड़े से टाइम के लिए अगर हम लोगों को ऐसे मैनेज करना पड़ रहा है, तो उसमें इतना क्यों इशू बनाया जा रहा है इस चीज़ को लेके? मुझे ये नहीं समझ में आता कि हम नई चीज़ों को लेने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। सो मुझे कहीं ना कहीं ये चारों तरफ से जब मैं सुनती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक इशू नहीं होना चाहिए आज के इस टाइम पे, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का टाइम है, हम हर जगह पे आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया हर जगह में आगे जा रहा है, तो हम लोग एजुकेशन के सिस्टम को आगे क्यों नहीं ले जाना चाहते? बल्कि हमारे लिए ये टाइम है सबके लिए कि हम इन इन इस टाइम में इसको और डिवेलप करें। आगे हो सकता है आने वाले टाइम में पूरा साल हमें बच्चों के साथ घर पे ही रहना पड़े, कुछ नहीं पता आगे आने वाले सिचुएशंस कैसी हो सकती हैं, तो क्या आप अपने बच्चों का 1 साल ख़राब करने के लिए तैयार हो? तो बजाय इसके कि उसको नेगेटिव वे में ले, तो आप उसको पॉजिटिव वे में क्यों नहीं ले रहे हो? आप उस टाइम में अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखा रहे हो?
ये थोड़ा सा टाइम ऐसा है, ज़रूरी नहीं है कि पूरा टाइम ही ऐसे निकलने वाला है। तो मेरी आप लोगों के साथ हाथ जोड़ के यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस टाइम में सब मिलके इसका एक कोई सोल्यूशन जो निकला है उस पर सब काम करें और मिलके हम लोग आगे आए, ना कि हम लोग एक एक चीज़ को पॉइंट आउट करें। आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो आज जिनके आज घरों में खाना नहीं पक रहा है, जो स्कूल के इतने सारे लोग काम करते हैं, टीचर्स हैं, नॉन स्टाफ है, जो भी वहाँ पे काम करते हैं, जो बच्चों की देखभाल कर रहे थे इतने सालों से, अगर उनके घर में आज खाने के लिए नहीं है तो हमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के साथ बैठ के बात नहीं करनी चाहिए कि नहीं सर, हम आप लोगों के साथ हैं, हम लोग एक फैमिली हैं, हमारे बच्चे क्या हो गया अगर 4-6 महीने स्कूल के बजाय घर पे पढ़ रहे हैं, तो हम आपके साथ हैं। तो ये चीज़ क्यों नहीं कोई बोल रहा है इस टाइम, आप लोगों को पता नहीं है शायद, लेकिन ये जो ऑनलाइन पढ़ाना है ना, ये फेस टू फेस पढ़ाने से ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसमें ज़्यादा 100% एफर्ट्स हमारे लगते हैं। आप ये मत सोचे कि आपके घर में बिजली या आपके घर में लैपटॉप या आपके घर में ही आप लोगों का टाइम जा रहा है, हमारा भी उतना ही जा रहा है। हम अपने घर के काम छोड़ के बच्चों के लिए नोट्स बनाते हैं, उनके लिए वीडियोज़ बनाते हैं, हम भी वो हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। आपने सिर्फ वहाँ से देखना है और करवाना है बच्चों को। तो ये थोड़े से टाइम की बात है, आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सबकी तरफ से ये आप उनके लिए भी सोचिए जो आज इस हालात में बहुत ज़्यादा जिनके हालात ख़राब हो रहे हैं। तो आप लोग सब मैनेज करिए और हमारे साथ मिलके कॉपरेट करिए, और एक टीचर की जो रिस्पेक्ट होती है वो बच्चों को सिखाएं कि आज के टाइम में भी अगर आपका टीचर आपके साथ खड़ा है तो उसको अप्रिशिएट करने के बजाय हम उसके ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ें छोड़ के आप टीचर्स का, मैनेजमेंट का, स्कूल्स का साथ दीजिए। और जो लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि वो आपको नेगेटिविटी देने की कोशिश कर रहे हैं या आप लोगों को कुछ गलत बोल रहे हैं कि नहीं हमें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, आप उनका साथ मत दें। आप लोग इस चीज़ को समझिए कि ये अब बहुत सारा टाइम नहीं है हमारे पास, ये अब थोड़ा सा टाइम और है तो ये निकल जाएगा और हम सब मिलके इससे बाहर निकलेंगे ज़रूर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इन बातों से सहमत होंगे। आज मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम सब मिलके इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे और उम्मीद है कि आप सब एक साथ रहेंगे इस टाइम में। और प्लीज़ इस पे आप थोड़ा ध्यान देना कि आपको हो सकता है थोड़े कुछ पेरेंट्स को ये लगे कि मैंने कुछ गलत बोला है, लेकिन आप अगर सोचोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये ठीक है, ये ऐसा ही करना चाहिए हमें। ओके सी।